पलकों की छांव में टू नया धारावाहिक सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। इसे नदी में खंगाल के ले आओ। हाँ माँ दीजिए। माँ ने मुझे कहा था और तुमने ले लिया यार। माँ साड़ी खंगालो के और तुम सुमन केदारी भैया तुम शिखर को ये पूजा दिखाओ मैं अभी आई। पूजा पर ध्यान दो जी। नंदन हम खंगालेंगे। अरे नंदनी मुझे नहीं, नहीं। तुम मेरी तरफ से है ना तू उसकी तो क्यों नहीं एक बेफ्री नहीं हम खंगालेंगे नहीं नंदन यार साथ में कर लेना तुम लोग कहते हैं कि व्रती की सेवा का फल मिलता है और माँ ने ये साड़ी हमें धोने के लिए सौंपी है ताकि हम सबको आशीर्वाद मिले खेलने के लिए नहीं है चलो हां तो वही तो हम कह रहे हैं चलो चलो अब साड़ी धोते हैं चलो चलो Thank you.
देख रहे हो ना मेहमान जी, राम और सीता जी की जोड़ी लग रही है। मुझे तो ये राधा कृष्ण की जोड़ी लग रही है। मेरे लिए तो राम और सीता जी की जोड़ी है ये, अंशुमन भैया और सुमन दीदी की। केतारी भैया, तुम भी क्या पटर पटर बोलते रहते हो, जाओ जाके देखो कि माँ को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। हमने कहा कह दिया, सही तो कहे थे। नंदनी, तुमने हमें वचन दिया था कि तुम सुमन को हमेशा खुश रखोगी, क्या वो खुश है? नहीं नंदनी, हमें तो लगता है कि वो रिश्तों के मकर जाल में उलझती जा रही है। अगर इसे जल्दी से नहीं सुलझाया गया तो उसकी पूरी लाइफ एक अभिशाप बन जाएगी। मैं भी तो इसी धर्म संकट से गुजर रही हूँ ना शिखर, क्योंकि दिल चाहे अंशुमन भैया का टूटे या नंदन का, मुझे तकलीफ तो उतनी ही होगी ना। लेकिन कभी ना कभी सच को सबके सामने लाना होगा ना नंदनी। मेरी बहन सुमन दिल की इतनी अच्छी है कि वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। वो सुरभि माँ के प्यार की नाव में सवार है और बीच मझधार में फंसी हुई है, और हम दोनों को मिलकर उसे मझधार से निकालना होगा नंदनी। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ शिखर, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी सुमन से बात करूंगी। कहूंगी उस कि जिस मझधार में वो है, जिस सिचुएशन में है, उसे जल्दी खत्म कर ले और कोई फैसला ले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास नहीं, आंखों देखी कानों सुनी बोल रहे हैं। पहले तो हमको शक था, लेकिन अब ये शक विश्वास में बदल गया है। अपने इन्हीं कानों से सुने हैं नंदनी और शिखर की बातचीत। पहले तो महारानी नंदन के जूठन से अपना उपवास तोड़ी, और अब ये सब बातचीत, सीसा की तरह साफ हो गया है सब कुछ। हमको एक बात बताइए, का ये अंशुमन और नंदन की तरह सुमन भी धोखे में है कि किसकी शादी किससे हो रही है? अरे नहीं समधन जी, सुमनिया बहुत तेज लड़की है, उसको तो पहले दिन से ही पता है कि उसकी शादी अंशुमन से ही होने वाली है। बाकी वो अपने लट्टू के धागा में ना लपेट ली है नंदन को, और घुमा रही है लट्टू की तरह गुल 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 गुल। सिर्फ छोटके बउआ से ही नहीं, बड़के बउआ से भी खिलवाड़ कर रही है ये। अरे एक ऐसी लड़की जो दोनों भाइयों के साथ खेल खेल रही हो, ऐसी लड़की को छोटकी अपनी आदर्श बहू के रूप में चुन रही है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप कहें तो बना दे तमाशा, लगा दे आग। कल पहले छठ खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम बनेंगे मदारी और सब देखेंगे तमाशा। बड़े अहंकार के साथ छुटकी ने कहा था कि उसको अपने बसंत पे नाज है। उसके उस अहंकार को अपने पैरों तले नहीं कुचला हमने, तो हमारा नाम ना मनोरमा देवी नहीं। बस बस बड़की समधन जी, छठ पूजा, मन की शुद्धि आप ही बोली थी और आप ही भूल गई।